जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। किसका है? आपके बेटे का। हाँ बोलिए, क्या हुआ? मम्मी जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉल करने के, वो भी ऋषि के पापा के फोन से? वो मुझे आपको बताना था कि हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। वीरेंद्र को फोन दो। मम्मी जी, मैंने आपको इसलिए फोन किया था क्योंकि मुझे आपको बताना था कि तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा है, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझी तुम? हमारे बेटे की जिंदगी का ग्रहण बन गई हो तुम, हमें तुम्हारी आवाज ही नहीं सुननी। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा, आपकी नाराजगी जायज है, आप माँ हैं, ऋषि ऐसे जेल में था, मुझे पता है आप बहुत दुखी, लेकिन वो मैं और बाहूजी हम यहाँ आए हैं ना जेल में ऋषि की बेल के लिए, और नहीं मिली बेल, नहीं मिली क्योंकि तुम गई हो वीरेंद्र के साथ, तुम अशुभ हो इसलिए बेल नहीं मिली, तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हमारे बेटे को बेल नहीं मिली, यही ना? नहीं नहीं मम्मी जी, ऋषि को बेल मिल गई है। क्या? हाँ, ऋषि को, आपके बेटे को, उसे बेल मिल गई और वो घर वापस आ रहा है। ऋषि को बेल मिल गई? ऋषि घर आ रहा? ऋषि को बेल? बॉय, ऋषि को बेल मिल गई है, वो घर आ रहा है, वो जल्द घर आ रहा है। रियली? हाँ, और रास्ते में वो घर आने वाला है। हैप्पी? हमारा बेटा घर आ रहा है, ऋषि घर आ रहा है। देखा देखा देखा, मैंने कहा था ना, इंक्लूडिंग यू सोनिया, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना, ऋषि भाई वापस आएंगे और लक्ष्मी भाभी उन्हें वापस लेकर आएंगे, एंड शी डिड इट, ओनली लक्ष्मी भाभी डिड इट, कम ऑन एवरीबॉडी, चीयर अप, चीयर अप, टीचर्स, नहीं, ओके कूल, बोलती बंद होगी ये सब की। क्या कह रहे थे उसे? अपशगुन, महाअपशगुन और पता नहीं क्या क्या, पर अब तो वो बेल दिलवा के ला रही है ना ऋषि को वापस। अब क्या बोलोगे? और नीलम, तुम्हें तुमसे एक बात मैं जरूर पूछूंगी कि जब लक्ष्मी से कोई गलती होती है तो तुम उसे इतना भला बुरा सुनाती हो, और अब वो जीत कर आ रही है तो उसे शाबाशी दोगी ना? ये आयुष का तो समझ में आता है हमें मम्मी जी, पर आप तो बड़ी हैं, इस घर में सबसे बड़ी हैं आप, आपको सिर्फ लक्ष्मी ही क्यों दिखाई देती है? शाबाशी दे लक्ष्मी को क्यों? क्या है वो, हैसियत क्या है उसकी? और ऋषि को बेल दिलाने उसके साथ आपका बेटा भी गया है ना, वीरेंद्र ओबरॉय खुद गए हैं ऋषि को बेल दिलवाने के लिए, तो बेल तो मिलनी थी ना, तो जीत लक्ष्मी की कैसे हुई? जीत तो वीरेंद्र की हुई ना, आपके बेटे की, और उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए सबसे, आपसे भी। Your mama, he did it. Yes, ma'am. ना समझ को तो समझाया जा सकता है, लेकिन समझदार को? अरे चिल्ला नानी, कोई कुछ हो ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो लक्ष्मी भाभी की जीत में चेयर कर सकते हैं ना उनके नाम का। Yes. इतनी खुशी की बात है, मैं बोलूंगा हिप हिप, आप बोलना हुर्रे, हिप हिप, हुर्रे, आहा, हिप हिप, हुर्रे, आहा, हिप हिप, आजा मामा आपकी बारी, आजा, हिप हिप, I will slap you. Okay. दप्पा। अच्छा सुनसान सड़क पे घूम रहा तू, कुत्ते नहीं मिलने के काटने के लिए, मिल गए कुत्ते सर, है ना सर, अब बता मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए या धरती पे पटक के तेरा सर फोड़ दिया जाए? तो मुझे छोड़ दो सर, मेरे पास कुछ नहीं है सर। अच्छा, और ये गाड़ी में भीख मांगता है क्या बैठ के? ड्राइवर मार दिया ना साले, पेशाब निकल जाएगा बीच में, फिर काटूंगा तेरी धीरे धीरे गर्दन,
और भेज दूंगा तेरे भगवान के पास, आगे समझ। सर 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 मैं सच कह रहा हूँ सर, सर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ सर। गुड्डू नौकरी भी कर रहा पेशा भी कर रहा, वो कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है, वो साधु का। सर सर मैं सच कह रहा हूँ सर, सर ये कार भी सर ऑफिस की है, मेरी नहीं है सर। मैं कार नहीं चाहिए, मैं माल चाहिए। माल निकाल, जेब में क्या निकाल, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। ये पकड़, इसकी जेब भी देख। गुड्डू गुड्डू ये देख, सोने का आइटम मिल गया, साले सोने की चीज लेके घूम रहा, कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है। क्या है? पेन ड्राइव है सर, पेन ड्राइव। कार ड्राइव सुना था, पेन ड्राइव क्या हो, क्या होता है पेन ड्राइव? दो कोड़ी का आदमी है साले, कुछ नहीं रखा जेब। मार दूंगा जान से, मार दूं तुझे। निकाल इसकी जेब, चेक कर। पुलिस ट्रेस कर लेगी, आजकल बहुत चालू रखी पुलिस। वापस रख, चल चल तू गाड़ी में बैठ। चश्मा ले पकड़, चश्मा चल चल बैठ गाड़ी में, गाड़ी बैठ। चल बल्लू हम निकल दे, बाइक तो ले ले साले, बाइक छोड़ के जाएगा क्या? बैठ गवार नंबर टू। सुना ना तुमने, आंटी ने अभी तुम्हारी औकात बताई, मेहमान बुलाया तुम्हें। लेकिन एक सच बोलूं, तुम्हारी औकात तो मेहमान बनने के लायक भी नहीं, क्योंकि मेहमानों के अंदर थोड़ी गैरत होती है, कुछ शर्म होती है, लेकिन तुम में तो कोई शर्म ही नहीं है। पता नहीं कहाँ बेच खाई, जो अपनी बहन के ससुराल में पड़ी हुई। मेरा तो ये फिर भी बहन का ससुराल है मनुष्का, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ये क्या है? कुछ भी नहीं, क्यों पड़ी रहती हो यहाँ पे हर टाइम? और ये चीज तो आयुष ने भी कहा ना तुमसे, फिर भी तुम यहाँ पे हो, जुबान इतनी चला रही हो, सच में बहुत गैरत है तुम्हें। और ना सही कहा तुमने, तुम तो गेस्ट भी नहीं हो, क्योंकि गेस्ट की कोई रिस्पेक्ट होती है, कोई डिग्निटी होती है। शालू शालू हूँ मैं, लक्ष्मी नहीं। ये बात ना तुम याद रखना, वो ना अच्छी है, कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इतना कि वो मान रखती है बुरे लोगों का भी, और मैं भी मान रखती हूँ, लेकिन मैं बुरे लोगों को अपनी पहचान दिखा देती हूँ, और मैं पहचान मिटा भी देती हूँ जो लोग मेरे लिए बुरा करते हैं। कोशिश करो, करती रहो कोशिश, देखते हैं कौन जीतता है, अच्छा या बुरा। और ना फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, मेरा मूड मत खराब करो, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जीजू वापस आ रहा है, और तुम्हें भी तो खुश रहना चाहिए ना, स्माइल करो। तुम तो ढोल पीटती रहती हो, पूरे गली मोहल्ले में बोलती रहती हो मेरा ऋषि, मुझे इतना प्यार है ऋषि से, तो करो स्माइल करो। नहीं करनी स्माइल, ठीक है कोई बात नहीं गुड़िए, मैं ना तुम्हारे सिक भी स्माइल कर देती हूँ, डबल स्माइल। ठीक है, बहुत जबान निकल आई है ना यहाँ पे लोगों की, कोई बात नहीं, मुझे इस घर में आने तो दो एक बार, फिर इन सबको मैं पैरों के नीचे मसल के रख दूंगी। श्री लक्ष्मी एंड शालू, फिट फॉर दैट डे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।